हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं शारदा ग्रोवर जी से। हाँ जी शारदा ग्रोवर जी, कहिए क्या हाल है। मंथन जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तभी इनकी मैं रेगुलर क्लास लेती, कोई दिन भी नहीं छोड़ती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे यहाँ से। आज मैं सबको यही कह रही हूँ, जितने मेंबर्स आते हैं, जो क्लास मेंबर है हमारे पास, अगर एक ही छोटी बात में गई थी तो शायद 100 लोग हो जाएंगे, ऐसे चेंज करती गए। तो यही ऐसे सबसे अपने एक फैमिली मेंबर या रिश्तेदार जो भी है, दोस्त है, उनको उन्होंने करें मंजिल जी के साथ करें। या बहुत सारे टाइम है हमारा, 12 बजे का भी टाइम है, 7 बजे का भी है, बहुत टाइम है, जिस टाइम भी स्कूल करता सब। ऐसी चेन पड़ेगी, एक चेन पड़ेगा आगे निकलेगी। और पिंकी जी, आप तो वैसे भी इसको इतनी आगे बढ़ा रहे हैं, वीडियो बना बना के हमारी तो थैंक यू। मेरे को खुद कितना अच्छा लगा आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी मतलब इतना ज्यादा योगासन पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। आज जब मैं मंजीत जी के और मदन जी के योगासन देखे मैंने, तो मैं हैरान रह गई। मैं सोच सकती हूँ कि भी अभी मेरे से ये नहीं हो पाते, तो आज से अगर मैं 10 साल बाद सोचूं, तो मैं तो नहीं लगता कि ये सब कर पाऊँ। इसलिए अब मैंने ध्यान देना शुरू किया है, बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, पहले मैंने किए हैं, सीखा है। मैं अपना रमेश नगर जिला से हूँ और बहुत अच्छे, वहाँ पे भी बड़े अच्छे योग गुरु हैं। वो मेरा ही जरा से ध्यान जो है मीडिया और उसमें से हटके आया है, लेकिन अब जो योगासन पे मेरा ध्यान टिका है ना, वो मंजीत सिंह जी के करके टिक गया है। क्योंकि देखो, मैं पार्क में करती थी ना, तो मतलब मेरा ऐसे नहीं होता कि जैसे खुले में बैठ के कि मेरी आंखें बंद रहे, बिल्कुल भी नहीं ऐसे होता। मैं आंखें बंद करके तो कभी कर ही नहीं पाई लेकिन अब जैसे मेरे को फोन पे आवाज आती रहती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक इनकी आवाज में इतना सुकून है, मतलब इतनी अच्छी वॉइस है मदन जी की भी और मंजीत जी की। तो मैं मेरा बस चले तो मैं कहती मैं सारी दुनिया को बताऊं कि देखो, सीख लो, अभी भी वक्त है कि आप लोग जाग जाओ। क्योंकि मैंने एक हफ्ता योगासन नहीं किए तो मुझे अपने शरीर पर जो प्रभाव दिखा, इतना कमजोरी, सुस्ती और ऐसे मुदनी सी छाई रही सारा दिन, मतलब ऐसे मैं सुस्त रही। और शारदा जी, आपको तो बकअप है, मैंने आज कल से लेके पता नहीं कितने लोगों को बताया कि ये शारदा जी की ये वीडियो देखो और देखो कैसे योगासन कर रही है। तो आप अपने आप को पीछे करके ना दुनिया का भला नहीं बुरा कर रहे हैं, मैं आपको ये कहूंगी। शारदा जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रेरणा दे सबको कि अब आ जाओ योगासन में, ये मत सोचो कि मैं अपनी क्लास की, आप भारतीय योग संस्थान की एड कर रहे हैं, योगासन नहीं किए हैं आप, तो उनसे जुड़े और आप सबको जोड़ रहे हैं। मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जब मैं ऑनलाइन योग क्लासेस से जुड़ रही हूँ पंजाबी बाग जिला से, अब ये शारदा जी की क्लास, और अब हमारे रमेश नगर में भी और क्लासेस जो खुलने जा रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, पहले चल रही है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, अभी भी समय है, आप सीख सकते हैं। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये मंजीत सिंह जी के योगासन और मदन जी के योगासन ना बना कर डाल रही हूँ, तो ये सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि आप लोग भी जो हैं इनको देख के, इनसे प्रेरणा लेके आगे सीखें। तो मंजीत जी तो सबकी बहुत हेल्प भी करते हैं, अगर जैसे कोई भी अपनी योग क्लास चला रहा है उसके वहाँ जाकर ये अपना ऑनलाइन योग क्लास अपनी देते हैं, हमारे रमेश नगर जिला में भी दे रहे हैं, सरस्वती गार्डन में भी दे रहे हैं। तो ऐसे ये जो योग की क्लासेस ये चला रहे हैं अपनी पंजाबी बाग जिला में, उसके अलावा भी ये कितना सबको सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी तो मतलब कि कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, बहुत ही बढ़िया। और आज आप जो ये योगासन देख रहे हैं दोस्तों, वाकई में कि जब ये जब हम करने बैठते हैं और जब हम इनको सीख के इनसे कर रहे हैं, तो वाकई में एक जो ही भी हो पाते तो उनको थोड़ा मात्र कर लेने से, और इतने अच्छे योग गुरुओं के पास जब हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों।
अभी आप देख रहे हैं ये वाले योगासन, ये अपने अपनी बॉडी को हम लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे और खींच तान के। तो सबसे ज्यादा जो हमारा शरीर है अगर वो स्वस्थ है तो बस फिर तो आपकी जिंदगी जो है बड़ी अच्छी चलेगी। आप खाओ पियो घूमो ऐश करो, लेकिन शरीर स्वस्थ है तभी आप जिंदगी का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत सालों से ज्योतिष से जुड़ी हूँ, लेकिन उसमें भी यही है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। मन और तन को स्वस्थ रखने के लिए योग आसनों से बढ़कर मुझे आज तक कोई चीज जो है वो कर नहीं पाई, खुश नहीं कर पाई। और आज जो ये हम योगासन द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रही ये पंजाबी बाग जिला क्लास में ही योग हो रहा है, सब जगह हो रहा है। आप अपने टाइम के हिसाब से सेट कीजिए। और मंजीत जी और मदन जी तो हर क्लास में जाकर योग आसन करवा, इस तरीके से पहले योग आसन करते हैं हम लोग और उसके बाद प्राणायाम। और प्राणायाम में भी आप देखिए मदन जी पूरे अच्छी तरह से कपाल भाती, अलोम विलोम, और सभी प्राणायाम जो हैं बहुत अच्छे से करने के बाद जो हंसी और इसका माहौल बनता है दोस्तों, एक बहुत अच्छा माहौल बनता है, बहुत अच्छा। जब हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं, और जो लोग वीडियो ऑन करके नहीं करते जो मुझे लगता नहीं वो इतना आनंद उठा पाते होंगे। ठीक है कि मुझे लगता है कि सब जो हैं वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा लगेगा। अंजू जी भी अपनी क्लास ओपन कर रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी भी शाम को 5 बजे जो है क्लास होगी, रमेश नगर की क्लास। दोस्तों कोई बात नहीं, कभी कभी अगर आपका सुबह का मिस हो जाता है तो आप ये अपना जूम आईडी रखिए, ये काम आएंगी। शारदा जी की जो क्लास है वो 12 बजे हो रही है। हमारे आर्य समाज मंदिर में भी एक क्लास सरोज जी और सुपिंदर जी लेने जा रही हैं, वो होगी सुबह 11 बजे। जो पहले आर्य समाज मंदिर होती थी लेकिन अब ऑनलाइन होगी। तो दोस्तों ये जो इतने सारे लोग मिलकर मेहनत करने जा रहे हैं वो सब आपके लिए है, आपको स्वस्थ रखने के लिए है। और अंजू जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी, वो बड़े टाइम से चला रही हैं क्लास, लेकिन अब तो ऑनलाइन क्लास में भी अब वो अपना दिखाने लगी हैं कि वो कैसे जुड़ रही हैं सबके साथ और जोड़ रही हैं। और उनकी हेल्प करने के लिए मंजीत जी, मदन जी, शारदा जी, सुधा जी, कृष्णा जी, बहुत किन किन का नाम लूँ मैं, सभी लोग जो हैं एक दूसरे की मदद को तैयार हैं। दोस्तों बस आप जो हैं ये सोचिए कि आपने योग करना है और आपके पास अब इतनी आईडी है, इतना टाइम है और इतने लोग कराने वाले हैं और इतने लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, चाहे वो रमेश नगर जिला में हो और सरस्वती गार्डन, रमेश नगर, सरस्वती गार्डन और पंजाबी बाग में भी सुबह की क्लास, फिर 12 बजे शारदा जी की क्लास और ऐसे ही शाम को अंजू जी की क्लास और बीच में 11 बजे की क्लास। आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? भारतीय योग संस्थान की इतनी बड़ी देन है और इतने वहाँ से आपको ये योग मिल रहा है करने को, ये समय मिल रहा है। आप अगर सुबह नहीं कर सकते तो आप 11 बजे, 12 बजे, 5 बजे आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजू जी को मैं फिर से बधाई देती हूँ उनकी क्लास के लिए, और उनकी क्लास में हम कल उनको ज्वाइन करेंगे और आप वहाँ की भी पिक्चर्स वीडियो सब देख सकेंगे। ऐसे ही हमारे जो हैं रमेश नगर की क्लास एक और ओपन होने जा रही है 11 बजे, उसकी भी हम डालेंगे वीडियोस। दोस्तों हमने योग को प्रमोट करना है और आप देखते रहिए, हम बनाते रहेंगे आपके लिए नई से नई वीडियो। धन्यवाद।